इधर भागलपुर का सिंह कुंड और लोकमानपुर गांव विकास से कोसों दूर है। आजादी के 75 साल बाद भी यहां ना सड़क है और ना ही पुल है, ना नाव ही यहां के लोगों का आखिरी सहारा है। यहां तक कि इस गांव में रिश्ता करने से लोग अब कतराते हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। कहने को आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन भागलपुर में क्या आजादी, ये हमारी समझ से भी परे है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक प्रखंड में दो गांव सिंहकुंड और लोकमानपुर, ऐसा है कि विकास की किरण अब तक नहीं पहुंची है। गांव में ना सड़क है और ना ही पुल। ग्रामीण नाव के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब विकास ही नहीं पहुंचा तो बच्चों की पढ़ाई का क्या ही बोला जाए। बच्चे चाहकर भी उच्च शिक्षा से वंचित है। एकमात्र प्राथमिक स्कूल भी है, लेकिन शिक्षिका प्रतिदिन 6 किलोमीटर पैदल चलकर नाव के सहारे स्कूल पहुंचती हैं। घर से नाव पार करके तो स्कूल वाले दो स्कूल जाते हैं, दो कोस तीन कोस। क्या बदला देखेंगे, कुछ नहीं बदला हुआ है अभी। इधर उसी तरीके से जाते हैं, उसी तरीके से। वो गाँव कैसे बसा हुआ है? कैसे बसा हुआ, इधर कट्टी होता है, गांव के लोग किसी तरह अपना गुजर बसर खेती गृहस्थी लेकर के यहां काम बाहर करते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी नेता आता है, वोट मांग के चला जाता है और बहुत तरह का वादा भी करता है कि ये करेंगे वो करेंगे। और हम तो ये भी सुने हैं कि मतलब सिंहकुंड और ढोरिया का पुल भी पास हो गया, लेकिन पुल पास जो कर दिया सरकार ने, पुल गया कहाँ? पुल तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो हम नाव से टप रहे हैं। हम सब तो जन्म जब से होश संभाले हैं तो नावे से टप रहे हैं। परेशानी यही होता है कि हम लोग डेली आते हैं और जाते हैं तो इसकी समस्या होती है कि ना मतलब पानी बढ़ जाता है तो ना कभी वहाँ कभी यहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं। समाधान होना चाहिए, ऐसी समस्या रही तो कैसे होगा। कौन यह दोनों गाँव कोसी नदी के सैलाब का दंश झेलते हैं। दोनों गांव एक टापू की तरह नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। यदि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए या किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो उसकी जान भगवान ही बचाए, क्योंकि यहां तो हॉस्पिटल ही नहीं है। यहां तक कि पंचायत के कई युवक और युवतियों की शादी पर भी खतरा मंडराता रहता है। हालांकि इन दो गाँव में जाने के लिए चौड़ी पुल बनवाई जा रही है जो पिछले 5 वर्षों से अधर में लटका है। अब जिला अधिकारी इस पर क्या कहते हैं, आप भी सुन लीजिए। लोकमानपुर जो गांव है वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो कोसी नदी के एक तरह से, और जब बारिश बढ़ जाती है, जब ये सीजन आ जाता है फ्लड का, तो वो चारों तरफ पानी से घिर जाता है। उसमें राज्य सरकार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से उसमें पुल का भी निर्माण हो रहा है और अप्रोच रोड का भी जो है पुल निर्माण निगम निर्माण कार्य कर रहा है। वो कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है, अभी बारिश के कारण थोड़ा स्लो हुआ है। उसमें जो भूअर्जन का काम है उसका निरीक्षण भी मेरे द्वारा कुछ महीने पहले किया गया था। उसमें हम लोगों को अभी हम लोगों ने रेट डिसाइड कर दिया है और अभी हम लोग जल्दी ही अगले 10 से 15 दिन में सबको नोटिस देंगे। उसमें राशि भी भूअर्जन पदाधिकारी को मिल गई है और कैंप लगा करके हम लोग जो भी रैयत है उसमें संभवतः मेरी मुझे जो ध्यान में आ रहा है 2 गाँव की जमीन जा रही है उसका हम लोग पेमेंट भी इंश्योर कराएंगे। बहरहाल कोसी नदी पर पुल बनने के बाद दोनों गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि विकास के वादों से लेकर विकास को धरातल पर उतारने में कितना समय लगता है। भागलपुर से भारत न्यूज 24 के लिए विभूति सिंह की रिपोर्ट।